शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या? फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सतमौला कवियों की चौपाल में हम हर वक्त अनुभवी और नवांकुर दोनों को मौका देते हैं और दोनों ही इस चौपाल की शोभा बढ़ाते हैं। आज की चौपाल में माननीय पंडित सुरेश नीरव जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हास्य की दुनिया में एक अनूठा सफर रहा है। सबसे पहले हम अपनी चौपाल में उनका स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। एक रचना दे रहा हूं, देखिएगा डिजिटल व्यंग है और रोज के आम हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हें ले रहा हूं। हमारे नेट पे आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, हमारे नेट पे आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, की है किंग ने किए सिम कार्ड सब बेकार से तेरे। हमारे नेट पे आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, हमारे नेट पे आते हैं सिग्नल प्यार के तेरे, की है किंग ने किए सिम कार्ड सब बेकार से तेरे। हुए हैं वायरल, हुए हैं वायरल मैसेज जो चैटिंग में लिखे तुमने, हुए हैं वायरल मैसेज जो चैटिंग में लिखे तुमने, हर एक चैनल पर चर्चे हैं हंसी इकरार के तेरी, हर एक चैनल पर चर्चे हैं हंसी इकरार के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखिएगा आजकल एक हमारी बीमारी है नई पीढ़ी में सेल्फी लेने की, है ना, स्वयं खींचू जिसे मैं कहता हूँ। तो देखिएगा तुम्हारी सेल्फी को देख कर दीवाने पिटते हैं, तुम्हारी सेल्फी को देख कर दीवाने पिटते हैं, जो आए इश्क पर खतरा तो मजनू फेक दिखते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी सेल्फी को देख कर दीवाने पिटते हैं, जो आए इश्क पर खतरा तो मजनू फेक दिखते हैं। कभी यूनान के नखरे, कभी यूनान के नखरे, कभी हर्बल अदाएं हैं, कभी यूनान के नखरे, कभी हर्बल अदाएं की, कि आयुर्वेद के तंदूर में बर्गर, आयुर्वेद के तंदूर में बर्गर भी सिकते हैं। तो ये थे पंडित सुरेश नीरव, जिनके हास्य ने आपको जरूर गुदगुदाया होगा। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगी प्रियंका राय जी को और वो माहौल बदल देंगी सतमौला कवियों की चौपाल का अपने ओज से। वे ओज में गीत भी लिखती हैं, गजल भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं और मुक्तक भी लिखती हैं। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रियंका राय जी का।
आप सभी दर्शकों को प्रियंका राय ओम नंदिनी की तरफ से नमस्कार, अभिवादन। और मैं इस आप सबकी उपस्थिति में छंद पढ़ना चाहती हूँ। मुझे छंदों का कितना ज्ञान है यह मेरे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि बताएंगे, पर मैंने एक लिखने का प्रयास किया है, मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है, और मैं क्या लिखना चाहती हूँ वो मैं सुनाती हूँ। निज मातृभूमि की जो बात यदि आ गई तो चूड़ियों में अपनी रवानी लिख दूंगी मैं। नारी अस्मिता की आन बान और शान लिए हाड़ी रानी जैसी स्वाभिमानी लिख दूंगी मैं। राज धर्मिता को मान कर दे जो पुत्र दान पन्ना धाय माई की कहानी लिख दूंगी मैं। एक शब्द में यदि कहो जो शौर्य लिखने को झांसी वाली रानी मर्दानी और मैं युवाओं में क्या लिखना चाहती हूँ, मैं अपने भाइयों में क्या लिखना चाहती हूँ तब सुनेगा कि राष्ट्र की अखंडता पे बात यदि आ गई तो लेखनी से अपनी उबाल लिख देंगे हम। धृष्टता कृतज्ञता का भाव जो दिखाया कोई उसके लिए तो फिर काल लिख देंगे हम। जो भी श्रेय हमको मिलेगा इस जिंदगी में सब माता भारती के भाल लिख देंगे हम। लाल लाल लाली माँ पे लेखनी चली जो कभी धरती को लाल 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 लिख देंगे। और एक छंद जो निसंदेह आदरणीय प्रवीण आर्य जी को बहुत अच्छा लगेगा, आदरणीय नीरव जी को बहुत अच्छा लगेगा, और इस छंद के लिए मुझे बहुत स्नेह मिलने वाला है, मैं आश्वस्त हूँ इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। शत्रुओं के दंभ को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी मैं। वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे, वक्ष पे जने उधारे मूछ गर्व से संवारे, गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। और क्या लिखना चाहती हूँ या आखिरी क्षण आप सब तक। भारती की आरती उतारती रहूंगी सदा वंदे मातरम जय घोष लिख दूंगी मैं। वीर बलिदानियों का मान स्वाभिमान लिखूं सरहदों पे सैनिकों का जोश लिख दूंगी मैं। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, गर्व से भरा ये उद्घोष लिख दूंगी मैं। निज नील कंठिनी को करके प्रणाम नित्य नेताजी सुभाष लिख दूंगी मैं। नेताजी अभी हम सब ने सुना प्रियंका राय जी को, जिनके ओज से हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, और इसी श्रृंखला में हम अगले कवि को आवाज देना चाहेंगे जिनका नाम है मनोज मिश्रा जी। वे भी ओज के हस्ताक्षर हैं और उनके ओज के लिए भी मैं उनको साधुवाद देती हूँ, और उनकी ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा उनको आवाज देती हूँ। मनोज मिश्रा जी, तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए मनोज मिश्रा जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, और एक रचना आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ, सुने। स्वागत। कि जो हमें बह रहा युगों से, जो हमें बह रहा युगों से, वही वही रक्त बिंदु होते, डरकर धर्म बदल ना लेते तो तुम भी हिंदू होते। डरकर धर्म बदल ना लेते तो तुम भी हिंदू होते। थे सनातनी संतान मगर शाश्वत सम्मान भूल बैठे, धर्म हेत ऋषवर दधीच का दुर्लभ दान भूल बैठे, अरे नश्वर शरीर के लालच में गीता का ज्ञान भूल बैठे। तुम कितने कायर हिंदू थे, भैसे भगवान भूल बैठे। वाह वाह, तुम कितने कायर हिंदू थे, भैसे भगवान भूल बैठे। जो गली गली में लड़ी गई उस अमिट कहानी को भूले, गंगा का पावन नीर भूल झेलम के पानी को भूले, गंगा का पावन नीर भूल झेलम के पानी को भूले, चित्तो जौहर भूले चित्तौड़ भूल पद्मिनी सी रानी को भूले, जो धर्म बचाकर चली गई अनमोल जवानी को भूले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे किसका डर था जिसके कारण लाखों बलिदान भूल बैठे, तुम कितने कायर हिंदू थे, भैसे भगवान भूल बैठे। और तुम वीर प्रसूता धरती पर वीरों की परिपाटी भूले, पानीपत का वह रक्तपात वह खून सनी माटी भूले, जौहर भूले चित्तौड़ भूल पद्मिनी सी रानी को भूले, जो धर्म बचाकर चली
फिर से पढ़ूंगा। कोई बात, दोबारा बोलो। तुम वीर प्रसूता धरती पर वीरों की परिपाटी भूले, पानीपत का वह रक्तपात वह खून सनी माटी भूले, जंगली घास की रोटी तक खाकर जीवन भर युद्ध किए, कैसे राणा कैसे चेतक कैसे हल्दी घाटी, कैसे राणा कैसे चेतक कैसे हल्दी घाटी भूले। अरे सब भूले थे तब भी चलता, तुम हिंदुस्तान भूल बैठे। वाह, तुम कितने कायर हिंदू थे, ऐसे भगवान भूल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऋषियों मुनियों की धरती पर धर्मा अनुरागी को भूले, कलंगीधारी सिख शिरोमण गुरुवर त्यागी को भूले, चमकौर युद्ध गुजरी देवी भूले तुम साहबजादों को, जिसने सर्वस्व लुटाया उस बंदा बैरागी को भूले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम निजी स्वार्थ में अंग भंग कर, तुम निजी स्वार्थ में अंग भंग कर अपना मान भूल बैठे, तुम कितने कायर हिंदू थे, वैसे भगवान भूल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन जिस समय तुम चाहे लालच से चाहे भय से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उस समय भी हमारे पूर्वज जिनकी बदौलत आज हम सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, वो अपना धर्म बचाने के लिए कैसे 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 बलिदान दे रहे थे। मैं पंक्तियां रखता हूँ कुछ। स्वागत भैया। कि जिस हिंदू का हिंदुत्व नहीं, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं, फिर वो बेकार में जिंदा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। कितना मनभावन और कितना खूबसूरत लिखा मनोज मिश्रा जी ने, और कितनी ही सुंदर हमें उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई जो कि ओज से पूर्ण थी। और अब थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं, सतमोला कवियों की चौपाल को आगे बढ़ाते हुए मैं सुषमा सवेरा जी को बुलाती हूँ, जो कि गीत का एक बहुत बड़ा नाम है, और वो अपने गीतों से इस महफिल का, इस चौपाल का बिल्कुल रंग बदल देंगी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ, सुषमा सवेरा जी। देखिएगा, पहली बार पढ़ रही हूँ मैं। नाम तुम्हारा दिल पे लिख के, नाम तुम्हारा दिल पे लिख के, हमने तुम्हारी चाहत में दिल की है दीवार सजाई, दिल की है दीवार सजाई, हमने तुम्हारी चाहत में दिल पे लिख के, हमने तुम्हारी चाहत में कलियों को छू कर जैसे, कलियों को छू कर जैसे शबनम खुश हो जाती है, ऐसे कितने ख्वाब सजाए, ऐसे कितने ख्वाब सजाए, हमने तुम्हारी चाहत में नाम तुम्हारा दिल पे लिख के, हमने तुम्हारी चाहत में आँखों को प्यासा रखा है, आँखों को प्यासा रखा है दीद तुम्हारा करने को, दिल में यूं तूफान उठाए, दिल में यूं तूफान उठाए, हमने तुम्हारी चाहत में तुम्हारा दिल पे लिख के, हमने तुम्हारी चाहत में शोर शराबे की दुनिया में, शोर शराबे की दुनिया में हम जब तन्हा हो बैठे, शोर शराबे
जब तन्हा हो बैठे वीराना वीराना आबाद किया है, वीराना आबाद किया है हमने तुम्हारी चाहत में, वीराना आबाद किया है, वीराना आबाद किया है हमने तुम्हारी चाहत में। हम तो क्या रास्ता तकते हैं दीप तुम्हारे आने का, हम तो क्या रास्ता तकते हैं दीप तुम्हारे आने का, कितने ऐसे कितने ऐसे दीप जलाए हमने तुम्हारी चाहत में, कितने दीप जलाए हमने तुम्हारी चाहत में, नाम तुम्हारा दिल पे लिख के हमने तुम्हारी चाहत में, जिन तिन को से एक घर दे दे तुमको अपनी चाहत का, जिन तिन को एक घर दे दे तुमको अपनी चाहत का, कितने ऐसे चुने हैं तिन के, कितने ऐसे चुने हैं तिन के हमने तुम्हारी चाहत में, नाम तुम्हारा दिल पे लिख के हमने तुम्हारी चाहत में, हमसे मिल के ही जो हमसे, हमसे मिल के ही जो हमसे सिर्फ तुम्हारी बात करे, उन आंसू से नम की आंखें हमने तुम्हारी चाहत में, नाम तुम्हारा दिल पे लिख के हमने तुम्हारी चाहत में, नाम तुम्हारा जिन शेरों पे दाद मिली थी, जिन शेरों पे दाद मिली थी एक दिन हमको जी तुमसे, वो ही सबको शेर सुनाए, वो ही सबको शेर सुनाए हमने तुम्हारी चाहत में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुंदर गीत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत गजल, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सफर चल रहा है, हास्य भी है, ओज भी है, गीत भी हैं, मुक्तक भी हैं, गजल भी हैं, सब चीजें हैं, लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। तब तक आप सतमोला की खट्टी मीठी गोलियों का आनंद लीजिए। हम आते हैं तुरंत एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, हाँ सतमोला नमकीन।
कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में। उम्मीद है आप सब ने चाय के साथ सतमोला नमकीन का भरपूर आनंद लिया होगा। और अब हम इस श्रृंखला में सबसे पहले आवाज देते हैं रचना निर्मल जी को। रचना निर्मल जी नई दिल्ली से हैं, ये राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता हैं और हर विधा में इनका दखल है। इनके ही एक शेर से मैं इनको आवाज देना चाहूंगी। माना लिखा है दर्द जमाने का पर अभी, माना लिखा है दर्द जमाने का पर अभी, जो लाए इनकलाब वो जोरे कलम नहीं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं रचना निर्मल जी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर निजामत कर रही हैं आप मंजू जी। और मैं अपने मुख्तलिफ अंदाज के कुछ अशआर रखना चाहती हूँ। और सबसे पहले अपने ही बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो कहती हूँ, ना है वास्ता मेरा धर्म से, ना है वास्ता मेरा धर्म से, ना भरोसा मुझे जात पर। वाह, बहुत शुक्रिया। ना है वास्ता मेरा धर्म से, ना भरोसा मुझे जात पर, हूँ खुदा का बंदा मैं दोस्तों, मुझे फक्र है इस बात पर। बहुत बढ़िया, फक्र है इस बात पर, बहुत शुक्रिया। और साथ ही कहती हूँ, नहीं है अब वो नीला आसमां, नहीं है अब वो नीला आसमां पत्थर के शहरों में। क्या बात है? नहीं है अब वो नीला आसमां पत्थर के शहरों में, जिसे छूकर परिंदे शाम को घर लौट आते। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साथ ही ये भी कहती हूँ कि नज़रअंदाज मैंने जो तुम्हारी गलतियाँ कर दी, देखें नज़रअंदाज मैंने जो तुम्हारी गलतियाँ कर दी, तकाजा वक्त का था, मेरी बिनाई नहीं थी कम बिनाई दूरदृष्टि बुद्धिमता। तो मैं कहती हूँ कि तकाजा वक्त का था, मेरी बिनाई नहीं थी कम। और लाजिम नहीं है आंख से गिरती स्याही को, बहुत 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 लाजिम नहीं है आंख से गिरती स्याही को, निर्मल हमेशा ही कोई कागज नसीब हो। तो हम सुखनवरों को अगर कलम मिली है तो ऊपर वाले का शुक्रिया। और बस एक मतला और दो शेर रखने के बाद मैं अपनी मुकम्मल गजल रखूंगी। कहती हूँ, हंसते हुए कहे जो हमें कोई गम नहीं, हंसते हुए कहे जो हमें कोई गम नहीं, एक एक आंसू उनका समंदर से कम नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। एक एक आंसू उनका समंदर से कम नहीं। और नौ उम्र से भी पूछिए जीने का फलसफा, क्योंकि सिर्फ हम अनुभवी नहीं हैं, हमारे बच्चे भी उतने ही हैं। तो कहती हूँ, नौ उम्र से भी पूछिए जीने का फलसफा, कुछ तजर्बा इसे भी गमे दिल का कम नहीं। बहुत बहुत बहुत। और दरकार क्यों मदद की उन्हीं से है मुझको आज, समझा कभी जिन्होंने मेरे गम को गम नहीं। समझा कभी जिन्होंने मेरे गम को गम नहीं। और एक मुकम्मल गजल रखने की कोशिश करती हूँ। देखें, मैं जैसे कि बताया मंजू जी ने कि समसामयिक विषय पर लिखती हूँ, समाज पर लिखती हूँ, तो हर शेर में एक कोशिश की है हर परेशानी और हर समस्या को छूने की। होते घर घर ये तमाशे नहीं देखे जाते, मतला देखेंगे, होते घर घर ये तमाशे नहीं देखे जाते, पल में दम तोड़ते रिश्ते नहीं देखे जाते। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। पल में दम तोड़ते रिश्ते नहीं देखे जाते, और सच तो यह भी है कि चाकू छुरियों के जमाने नहीं देखे जाते, चाकू छुरियों के जमाने नहीं देखे जाते, आदमी खून में नहाते नहीं देखे जाते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और शेर रखती हूँ, पैरहन कैसे मैं खामोशियों का पहने रहूँ। वाह, पैरहन कैसे मैं खामोशियों का पहने रहूँ, अपने अब होते पराए नहीं देखे जाते हैं। क्या बात, अपने अब होते पराए नहीं देखे जाते, बात जब बचने बचाने की ही आ जाए तो, बात जब बचने बचाने की ही आ जाए तो, अपने बेगाने सफीने नहीं देखे जाते। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। अपने बेगाने सफीने नहीं देखे जाते, जिनके सर पर थी अदब लाने की जिम्मेदारी। देखिएगा,
जिनके सर पर थी अदब लाने की जिम्मेदारी, वो ही गुस्ताखियां करते नहीं देखे जाते, वो ही गुस्ताखियां करते नहीं देखे जाते। हमने ये कहते हुए आईना ही तोड़ दिया। बहुत सच्चा शेर जी। हमने ये कहते हुए आईना ही तोड़ दिया, चेहरे पर नैन पनीले नहीं देखे जाते, चेहरे पर नैन पनीले नहीं देखे जाते। और मक्ता रखती हूँ, बंद कर दे कोई बाजार सियासी निर्मल, बंद कर दे कोई बाजार सियासी निर्मल, हमसे इंसान सहमते नहीं देखे जाते, हमसे इंसान सहमते नहीं देखे जाते। और जैसे कि कहा, एक क्षणिका रखती हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगी मन से, और कहती हूँ कि भूख कुछ नहीं देखती। बहुत दो चार शब्दों में अपनी बात रखती हूँ। भूख कुछ नहीं देखती, धर्म जात नहीं पूछती, केवल सूंघती है गंध, वो भी मादा, केवल सूंघती है गंध, वो भी मादा। और अखबार के आखिरी पन्ने के एक कोने में छपी खबर है, चाहतों की रेलम पेल में कुचल दी बची खुची संवेदनाएं, चाहतों की रेलम पेल में कुचल दी बची खुची संवेदनाएं, और कोई नहीं मिला आह सुनने वाला। बहुत 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 तो ये थी रचना निर्मल जी, एक एक आंसू उनका समंदर से कम नहीं, मैं तो कहती हूँ एक एक अशार उनका गजल से कम नहीं। और इसी श्रृंखला में मैं आगे राजरानी सिंह जी को बुलाती हूँ, जो मेरठ से हैं, राजकीय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, ये भी समसामयिक विषयों पर लिखती हैं, गीत गजल मुक्तक में इनकी सानी नहीं। और इन्हीं के दो पंक्तियों से मैं इनको आवाज़ देती हूँ, उससे दोस्ती प्यार और तकरार, उससे दोस्ती प्यार और तकरार, सब उसी की शर्तों पर, अब भी हर पल है वो बेकरार तो हुआ करे। तो ज़ोरदार तालियों से राजरानी सिंह जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुद को दो लाइनों में समाने का प्रयास किया है मैंने कि मैं क्या हूँ, उसी पे मैं अपनी लाइनें रखती हूँ। मुख्तलिफ अंदाज से हो पहचान मेरी, मुख्तलिफ अंदाज से हो पहचान मेरी, इसी ख्याल से सब पे मेहरबान होती गई। बहुत बढ़िया, बहुत। मुख्तलिफ अंदाज से हो पहचान मेरी, इसी ख्याल से सब पे मेहरबान होती गई, मेरे पैरों की जमी खींच कर मेरे पैरों की जमी खींच कर मुझे गिराने वालों, मैं इसी सोच से आसमान होती गई। क्या मैं इसी सोच से आसमान होती गई। एक गजल सुनाने का प्रयास करूंगी, आजकल के माहौल के ऊपर है कि कैसे आदमी को देख कर परेशान है, इसी भाव को मैंने एक गजल में रखने का प्रयास किया है, मतलब प्रस्तुत करती हूँ। खुद में उलझे उलझे हैं सब, खुद में उलझे उलझे हैं सब, पर दूसरे के लिए अकलबंदी का पैगाम लिए बैठे हैं, खुद के गिरेबा में झांकता नहीं कोई, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं। बहुत खूब। मैं उससे आगे, तू उससे आगे, ये तुझसे आगे, तू उससे आगे, ये तुझसे आगे, और मैं सबसे आगे, बस यही जिद है सबको। तू उससे आगे, ये तुझसे आगे, और मैं सबसे आगे, बस यही जिद है सबको। और जो सब पीछे बैठे हैं वो आगे वाले से इंतकाम लिए बैठे हैं, खुद के गिरेबा में झांकता नहीं कोई, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं। बहुत खूब। आजकल का समय ऐसा है कि अगर आप अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, क्योंकि मीडिया हमारे पास है, फेसबुक हमारे पास है, इंस्टाग्राम हमारे पास है, तो अगर आप अपनी खुशियां जाहिर करते हैं तो लोग आपको देख के खुश नहीं हैं, वहां पर वो क्या सोच रहे हैं,
ये दो लाइनों में बताने का प्रयास किया है। अगला शेर इसी पर है, तेरे नए मुकामों की नुमाइश भी, तेरे नए मुकामों की नुमाइश भी चिंगारियों को हवा दे देगी, तेरे नए मुकामों की नुमाइश भी चिंगारियों को हवा दे देगी, ये जो जहरीली मुस्कान से शोलों को छिपाने का इंतजाम लिए बैठे हैं, खुद के गिरेबां में झांकता नहीं कोई, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं। जब कुछ ना बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा, जब कुछ ना बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा तो कुछ अफवाहें ही उड़ा देंगे, बिल्कुल, जब कुछ ना बिगाड़ पाएंगे तुम्हारा तो कुछ अफवाहें ही उड़ा देंगे, ये झूठों की दुनिया है साहब, यहाँ सब खालिस झूठ का इनाम लिए बैठे हैं, खुद के गिरेबा में झांकता नहीं कोई, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं। कल तक जिसे पलकों पे बिठाए थे सब, वक्त है आज बदलता रहता है, बिल्कुल, कल किसी का था आज हमारा है, कल किसी और का होगा, तो कल तक जिसे पलकों पे बिठाए थे सब वो आज कहीं गुमशुदा है। अच्छा, कल तक जिसे पलकों पे बिठाए थे सब वो आज कहीं गुमशुदा है, बदलती हैं हसरतें रोज, यहाँ कौन है जो पक्का मुकाम लिए बैठे हैं, खुद के गिरेबा में झांकता नहीं कोई, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं। आखिरी शेर है गजल का, हद दर्जे का खोखलापन है, हद दर्जे का खोखलापन है, हाथ खाली साथ खाली बात तक खाली, हद दर्जे का खोखलापन है, हाथ खाली साथ खाली बात तक खाली, पर दिखावा इस कदर है कि सब साथ में खासो आम लिए बैठे हैं, खुद के गिरेबा में झांकता नहीं कोई, सब दूसरे के लिए इल्जाम लिए बैठे हैं, खुद में उलझे उलझे हैं सब, पर दूसरे के लिए अकलबंदी का पैगाम लिए बैठे हैं। बहुत खूब, इसी के साथ एक छोटा सा मुक्तक है वो मैं रखती हूँ और अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगी। ये मैंने अपने देश के लिए लिखा है, ये भी आजकल के, क्योंकि मैं समसामयिक लिखने का प्रयास करती हूँ तो ये भी आजकल के माहौल पर ही है। स्वागत है मेरी जननी के देश, मेरी जननी के गौरव का बाकी कुछ नामो निशान रहने दो। आजकल देख रहे हैं धर्म युद्ध छिड़ा पड़ा है, उसी पर लिखने का प्रयास है। मेरी जननी के गौरव का बाकी कुछ नामो निशान रहने दो, मंदिरों को बख्श दो, मस्जिद पर भी कुछ ईमान रहने दो, मंदिरों को बख्श दो, मस्जिद पर भी कुछ ईमान रहने दो, इस धार्मिक उन्माद में, इस धार्मिक उन्माद में कलंकित हो जाएगी संस्कृति सारी, इस धार्मिक उन्माद में कलंकित हो जाएगी संस्कृति सारी, संभाले हैं मेरी माने जो आंचल में, बाकी वो कीर्तिमान रहने दो, बाकी वो कीर्तिमान रहने दो। बहुत 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 सुंदर। हम दूसरे के लिए इल्ज़ाम लिए बैठे हैं और मैं तो कहती हूँ कि हम राजरानी जी के लिए तालियों का इनाम लिए बैठे हैं। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां राजरानी के लिए। और मैं अब आशा त्यागी जी जो मेरठ से हमारे साथ हैं उनको आवाज़ देना चाहती हूँ। वे 25 वर्षों से लेखन के क्षेत्र में हैं, सामाजिक पीड़ा को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने गीतों गज़लों मुक्तकों में ढाला है और मैं उन्हीं की दो पंक्तियों से उनको आवाज़ देना चाहूँगी। बेहद को हद समझाना बखूबी आता है मुझको, बेहद को हद समझाना बेखूबी आता है मुझको, हमेशा से हद में हूँ इसलिए बेहद सह जाती हूँ, ये अल्फाज नहीं नसीहत है मुझको, हल्के में लेने वालों दर्द मुझे भी होता है, गीत गजल में कहकर बस पी जाती हूँ। बहुत बढ़िया, तो इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज़ देती हूँ आशा त्यागी जी को, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आशा त्यागी जी। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी अखिल भारतीय क्रांति धारा ज्योतिष मंच मेरठ की अध्यक्ष हूँ और जैसा कि अभी मेरे बारे में परिचय दिया गया, लेखन जो है मुझे विरासत में मिला है और मैं हमेशा पीड़ा को, जो भी मेरी कलम लिखती है वो पीड़ा को लिखती है,
कहीं भी दर्द हो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे दिल को छू जाता है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा कि मैं उस पीड़ा के सहने के बाद क्या सोचती हूँ कि उस पीड़ा से हमें कैसे जूझना है। सीढ़ियाँ मुबारक हों उनको जिनको महज छत तक जाना है, सीढ़ियाँ मुबारक हों उनको जिनको महज छत तक जाना है, मेरी उड़ान आसमानों तक मुझे रास्ता खुद बनाना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। मेरा वजूद तप तप कर ढला है फर्ज की उस भट्टी में, मेरा वजूद तप तप कर ढला है फर्ज की उस भट्टी में, जहाँ किसी की छांव का इंतजार नहीं, तन्हा ही चलते जाना है। किसी को होगी चाह बेशुमार धन दौलत ऐशो आराम की, किसी को होगी चाहत बेशुमार धन दौलत ऐशो आराम की, मुझे अपनी मिल्कियत से नम आँखों में खुशी की लौ को जगाना है। हालात का रोना लोगों की खुदगर्जी का खौफ नहीं मुझको, हालात का रोना लोगों की खुदगर्जी का खौफ नहीं मुझको, तय कर लिया मंजिल मिलने तक रुकना नहीं आशा, बस चलते जाना है, चलते जाना है। ये मेरा छोटा सा परिचय। और अब जैसा कि मेरे बारे में बोला है तो मैं दर्द को लिखती हूँ और मेरी कलम दर्द को ही किस तरीके से लफ्जों में ढालने की कोशिश करती है, आप सबसे रूबरू होती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कई शुभचिंतक हमें ये कह देते हैं कि भाई मैं आपकी हेल्प कैसे करता, लेकिन अगर हमारे मन में भाव हो तो बिना पैसे के, बिना किसी सामर्थ्य के भी आप किसी के दर्द पर मरहम बन सकते हैं। तो किसी पीड़ा में मैंने ऐसा ही महसूस करते हुए लिखा कि ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, मगर क्या लब पे उनके मेरे लिए एक दुआ भी नहीं थी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वो आए तो मगर आकर गुजर गए अजनबियों की तरह, वो आए तो मगर आकर गुजर गए अजनबियों की तरह, मैं ही हर दफा गले से लगूं ऐसी तो कोई वजह नहीं थी। ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, मगर क्या लब पे उनके मेरे लिए एक दुआ भी नहीं थी। क्या हासिल ऐसी मुलाकातों से जिनसे फासले और बढ़ें, क्या हासिल ऐसी मुलाकातों से जिनसे फासले और बढ़ें, नहीं कीजिए ऐसी मुलाकातें जिसमें दिल की रजा ही नहीं थी। बहुत बढ़िया। ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, मगर क्या लब पे उनके मेरे लिए एक दुआ भी नहीं थी। तुमने दिल तोड़ा हर दफा मैंने किरचे उठा लिए रिश्तों की खातिर, तुमने दिल तोड़ा हर दफा मैंने किरचे उठा लिए रिश्तों की खातिर, मगर अब और नहीं करना समझौता जो दिल की रजा ही नहीं थी। ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, मगर क्या लब पे उनके मेरे लिए एक दुआ भी नहीं थी। जब हम तुमसे मिले शायद वो पल ही सितमगर था, जब हम तुमसे मिले शायद वो पल ही सितमगर था, मेरी वफा को मिलता मकाम शायद ऐसी वो फिजा ही नहीं थी। वाह वाह। ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, मगर क्या लब पे उनके मेरे लिए एक दुआ भी नहीं थी। मैंने तो लहू जिगर का देकर भी कोशिश की इसे बचाने की, मैंने तो लहू जिगर का देकर भी कोशिश की इसे बचाने की, फूल मोहब्बत का खिलता तो तबाशा माकूल वो जगह ही नहीं थी। वाह वाह। ये माना दर्द की मेरे उन पर वाजिब दवा ही नहीं थी, मगर क्या लब पे उनके मेरे लिए एक दुआ भी नहीं थी। और जैसा कि हम सब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैंने भी देशभक्ति के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश की है, वो चंद लाइनें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज तिरंगा लेकर विश्व पटल पर हम लहराते शान से, आज तिरंगा लेकर विश्व पटल पर हम लहराते शान से, हम विश्व गुरु थे विश्व गुरु हैं और रहेंगे सनातन धर्म की पहचान ये। जंग लड़ी आज़ादी की लेकिन दया धर्म हमारे सदा निशान थे, जंग लड़ी आज़ादी की लेकिन दया धर्म हमारे सदा निशान थे, हमने आज़ादी पाई लेकिन अहिंसा और बलिदान से, हम विश्व गुरु थे विश्व गुरु हैं और रहेंगे सनातन धर्म की पहचान ये। सोने की चिड़िया देश हमारा ये हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया ये देश हमारा हिंदुस्तान है, त्याग तपस्या ज्ञान सृजन जिसका ध्येय विश्व कल्याण है। नहीं हटेंगे नहीं डरेंगे सीमाओं पर बन प्रहरी लाल खड़े अपने स्वाभिमान से, हम विश्व गुरु थे विश्व गुरु हैं और रहेंगे सनातन धर्म की पहचान ये। बहुत खूब। गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी निर्झर बहती हैं, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी निर्झर बहती हैं, हरियाली और खुशहाली के प्रतीक बन अंधन सबको देती हैं।
अपनी क्षुधा भुलाकर पड़ोसी के मददगार बनने को हर पल अग्रणी आज खड़ा हिंदुस्तान ये। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और रहेंगे, सनातन धर्म की पहचान ये। जनगण मन से लेकर रण तक विजयी रहे हैं, जनगण मन से लेकर रण तक विजयी रहे हैं, न झुकेंगे न अनर्थ सहेंगे, दे विश्व को संदेश यही रहे हैं। समता ममता और अखंडता का पावन उद्घोष, सदैव आदर्शों की निधियों से धनवान ये। हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु रहेंगे, सनातन धर्म की पहचान ये। विश्व जगत को ताकत तिरंगे की दिखला दी हमने, जैसा अभी सबने यूक्रेन में देखा था तो कितना हम सबको प्राउड फील हुआ, उसी फीलिंग को मैंने शब्दों में डाला है कि विश्व जगत को ताकत तिरंगे की दिखला दी हमने, तोप और मिसाइलों के आगे कर ध्वज हजारों कुलदीपकों की जान बचा दी हमने, चाक चौबंद खतरों से सतर्क सुरक्षित आज धरती आसमान ये। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और रहेंगे, सनातन धर्म की पहचान ये। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नमस्कार। बहुत खूब अभी आशा त्यागी जी ने हमें दुख के साथ आगे चलने की जो प्रेरणा दी है, रुकना नहीं मुझको बस चलते जाना है, और विश्व गुरु हमें पूरे विश्व के पटल पर बन के दिखाना है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसी श्रृंखला में मैं अगला नाम लेती हूँ संगीता आत्रेय जी का, जो हमारे साथ मेरठ से जुड़ी हैं। वे श्रृंगार लिखती हैं, संगीता जी गीत और मुक्तक दोनों ही लिखती हैं। मैं उनको उन्हीं की दो पंक्तियों से आवाज़ देती हूँ। गिला गमों से नहीं, गिला गमों से नहीं, शिकायत इस बात से है कि रोने को कोई कांधा ना मिला। तो संगीता आत्रेय जी, हालांकि इनकी दो जो इनकी जो ये दो पंक्तियाँ हैं, ये हमें आभास देती हैं कि एक दर्द है, लेकिन अभी हमको इनसे श्रृंगार सुनना है और चौपाल का माहौल बदलना है। संगीता आत्रेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। और जैसे इन्होंने बताया कि मैं श्रृंगार में लिखती हूँ, वही मुझे पसंद है। लिखती तो मैं हर विधा में हूँ, लेकिन श्रृंगार मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं मुक्तक रखती हूँ श्रृंगार में अपने, कि हर यार यार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता, हर यार यार नहीं होता, हर शख्स वफादार नहीं होता। और यूं तो दो दिल मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। क्या बात, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। और एक चार लाइन का मुक्तक और है कि जिंदगी लगने लगेगी खूबसूरत, जिंदगी लगने लगेगी खूबसूरत, मोहब्बत की राहों में कदम रख कर तो देखो। जिंदगी लगने लगेगी खूबसूरत, मोहब्बत की राहों में कदम रख कर तो देखो। और छोड़ दोगे तुम बेवफाई का दामन, जरा कभी किसी से वफा कर कर तो देखो। बहुत जरा किसी से वफा कर कर तो देखो। श्रृंगार में ही मैं चार पंक्तियां और रखती हूँ कि तुम इल्जाम कुछ भी दो, हम तो वफा करते रहेंगे। तुम रिप्लाई दो ना दो, हम मैसेज करते रहेंगे। तुम्हारी मोहिनी सूरत ने दिल चुरा ही लिया, तुम्हारी मोहिनी सूरत ने दिल चुरा ही लिया। तुम इग्नोर करो बेशक, हम दीदार करते रहेंगे। तुम इग्नोर करो बेशक, हम दीदार करते रहेंगे। तुम रिप्लाई दो ना दो, हम मैसेज करते रहेंगे। और चार पंक्तियां मैं इंसानियत को समर्पित करती हूँ। स्वागत है। कभी इंसान के अंदर फरिश्ता भी आ जाता है। क्या बात। कभी इंसान के अंदर फरिश्ता भी आ जाता है। कभी शांत दरिया में उछाला भी आ जाता है। कभी अंदाजा मत लगाना किसी बाहरी सूरत को देखकर। कभी अंदाजा मत लगाना किसी बाहरी सूरत को देखकर।
कभी काली बदली में भी चांद निकल जाता है, कभी काली बदली में भी चांद निकल जाता है, कभी शांत दरिया में उछाला भी आ जाता है। और एक छोटी सी रचना है मेरी, स्वागत, वो भी श्रृंगार में ही है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मैं खामोश बैठी रही उसकी यादों में खोकर, मैं खामोश बैठी रही उसकी यादों में खोकर, वो मुझसे खफा होता रहा मुझको बेवफा सोचकर, मेरी हर सांस पे नाम उसका छपता ही गया, मेरी हर सांस पे नाम उसका छपता ही गया, वो खुद से ही भागता रहा मुझको पास सोच कर, वो खुद से ही भागता रहा मुझको पास सोच कर, मैं खामोश बैठी रही उसकी यादों में खोकर। अगला शेर देखिएगा, कि किनारा उसको भी न मिला किनारा मुझको भी न मिला, किनारा उसको भी न मिला किनारा मुझको भी न मिला, ना उम्मीद उसने छोड़ी ना सहारा मुझको मिला, ना उम्मीद उसने छोड़ी ना सहारा मुझको मिला, वो एक शाम कुदरत की दर पर मुझको बैठा ही मिला, वो एक शाम कुदरत की दर पर मुझको बैठा ही मिला, उसकी आंखें बड़ी नम थी मुझको खुद से खोया सोच कर, उसकी आंखें बड़ी नम थी मुझको खुद से खोया सोच कर, मैं खामोश बैठी रही उसकी यादों में खोकर, अब कदम मेरे रुक ही गए उसको खुद से बेखबर देख कर, अब कदम मेरे रुक ही गए उसको खुद से बेखबर देख कर, फिर नजरें उसकी उठी नीचे मेरी परछाई देख कर, फिर नजरें उसकी उठी नीचे मेरी परछाई देख कर, दोनों के नैना इस कदर गालों पर बरस पड़े, दोनों के नैना इस कदर गालों पर बरस पड़े, अपनी खोई उम्मीद को जिंदा पास देख कर, अपनी खोई उम्मीद को जिंदा पास देख कर, मैं खामोश बैठी रही उसकी यादों में खोकर। बहुत और खुँ, इसी खुँ, के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत मैं खामोश बैठी रही, बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियाँ। गीत गजलों की अगली श्रृंखला में हम अगला नाम बुला रहे हैं जो खुद ही कविता हैं, कविता कुसुमाकर जी। गजलकार भी हैं, कविता भी लिखती हैं, मेरठ से हैं, शिक्षिका हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कविता कुसुमाकर जी। नमस्कार, मैं मेरठ से कविता कुसुमाकर, और अपनी एक गीत के एक मुक्तक के माध्यम से शुरुआत करती हूँ। थाम ले अब तो आ कर के दामन मेरा, उम्र भर के लिए साथ मांगूं तेरा, तेरे बिन जिंदगी मेरी बेनूर है, सुने सुने नयन देखे रसता तेरा, थाम ले अब तो आ कर के दामन मेरा। और प्रस्तुत है चार पंक्तियां और। पूनम की रात भी लगे काली तेरे बगैर, होली नहीं होली न दिवाली तेरे बगैर,
हर ओर नजारे हैं, हर ओर बहारे, पर दिल ये मेरा खाली है, खाली तेरे बगैर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तुम्हारी याद आती है, कसम से याद आती है, अलसाई भोर जब अपने मादक नैनों को खोले, जब मेरी उन्हीं दी पलके सपनों की हकीकत तोले, पंछियों की चह चह बोली कानों में मिसरी घोले, जब पनिहारिन कोई पिया मिलन का, जब पनिहारिन कोई पिया मिलन का गीत गाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बहुत ही याद आती है। तारों की झिलमिल गलियां, चांदनी की नरम वो राहें, शशि का आंचल सरकाती वो नील गगन की बाहें, चकवे की व्याकुल आंखें, चकवी की मौन शियाहें, कोई नाजुक सी पग डंडी बल खाती लहराती है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी याद आती है, कसम से याद आती है, बहुत ही याद आती है, ये जालिम बड़ा सताती है, तुम्हारी याद आती है। और प्रस्तुत है गीत का आखिरी पंक्ति। आवारा फिरते बादल सावन की मस्त फुहारे, पेड़ों की शाखें झुककर क्या मुझको करे इशारे, तन को छू कर पुरवाई ना जाने किसे पुकारे, बारिश में भीग कर चुनरी, बारिश में भीग कर चुनरी जब तन को सहलाती है, बहुत बारिश में भीग कर चुनरी जब तन को सहलाती है, तुम्हारी याद आती है, बहुत ही याद आती है, कसम से याद आती है, ये जालिम बड़ा सताती है, तुम्हारी याद आती है। तो अब समय है आप सबसे विदा लेने का। उम्मीद है सतमोला कवियों की चौपाल में आप सबने खूब आनंद उठाया होगा, और यदि आप भी सतमोला कवियों की चौपाल के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आप लोगों के लिए दोहरा दूं, 9711182183, 9711182183। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले रविवार को फिर हाजिर होंगे सतमोला कवियों की चौपाल में वरिष्ठ, लब्ध और नवांकुर कवियों के साथ। नमस्कार। हमारे बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह मित्तल जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के, तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया, और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर के साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है, और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ जब तक ये चलता रहेगा, और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।